हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल विक्रम कुमार। तो आज की वीडियो में हम ओकिनावा प्रेस को जो है और ओकिनावा आई प्रेस से उसको कंपेयर करने वाले हैं, जो कि हम इसके पहले पोल में क्रिएट करके पूछे थे आपसे कि कौन सा इस पर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। तो उसमें से 75% से अबव क्वेश्चन आया था यस कि हम उस पर वीडियो चाहते हैं, तो उस पर हम आज का वीडियो बनाए हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ओकिनावा प्रेस और ओकिनावा आई प्रेस दोनों में क्या सिमिलर फीचर्स हैं, वो आपको हम पहले दिखा लेंगे, उसके बाद डिफरेंट फीचर्स आपको दिखेंगे। एरोडायनेमिक डिजाइन, फ्रंट एलईडी हेडलैम्प, डीआरएल, फ्रंट हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, स्टाइलिश एल्यूमिनियम अलॉय व्हील, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड टर्बो मोड, डिजिटल स्पीडोमीटर, स्पीड 70-75 किलोमीटर पर आवर, सीएनसी मशीन विद एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, लार्ज फ्रंट स्टोरेज स्पेस, यूएसबी मोबाइल चार्जर, लार्ज फुट स्पेस विद बॉडी कलर्ड फुट मैट, साइड स्टैंड सेंसर, स्टाइलिश टेल लैंप्स, एलईडी रियर विंकर्स, लाइसेंस प्लेट लैंप, वाटरप्रूफ बीएलडीसी मोटर विथ वॉक असिस्ट, ट्यूबलेस टायर्स, रियर डबल शॉकर विथ ड्यूअल ट्यूब टेक्नोलॉजी, रियर डिस्क ब्रेक्स, फुटरेस्ट। तो इतना सारा जो हम फीचर्स बताएं वो ओकिनावा प्रेस और आई प्रेस दोनों में सेम था। अब आपको बताएंगे दोनों में डिफरेंट फीचर जो है, जो मतलब आई प्रेस में नया आया है वो बताएंगे। डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी विथ चार्ज इन 2-3 आवर्स, परफेक्ट फॉर हाइयर्स, टेक योर बैटरी एनीवेयर। आई प्रेस कलर ऑफर ग्लॉसी गोल्डन ब्लैक, ग्लॉसी सिल्वर ब्लैक, ग्लॉसी रेड ब्लैक, कंप्लीट कंट्रोल विद अ सिंगल टच। दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। तो ओकिनावा प्रेस और ओकिनावा आई प्रेस में यही डिफरेंट है कि जो ओकिनावा प्रेस है उसमें से रिमोट हटा दिया गया, रिमोट कंट्रोल, और उसके जगह पे ये ओकिनावा आई प्रेस में फ़ोन से कंट्रोल दे दिया गया है कि फ़ोन से बहुत सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड लिमिट सेट करते हैं और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन उसमें ऑफर आपको करता है। और इसमें लिथियम आयन बैटरी आ गया जो 2-3 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है, और पहले वाला जो प्रेस है उसमें 6-7 घंटा लगता था, 7-8 घंटा लग जाता था फुल चार्ज होने में, और इसका एवरेज जो माइलेज है वो 170 किलोमीटर दोनों में है, आई प्रेस और प्रेस में दोनों में। और इसका बैटरी का एक फीचर है कि इसको आप वहाँ से डिस्चार्ज करके आप छत पे ले जा सकते हैं, जिससे आपका कहीं दूर में आपको चार्जिंग का स्लॉट मिलता है जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं अपने बैटरी को। तो इसके लिए आई प्रेस है, जिससे आप अपने छत पे या फिर 2-3 फ्लोर ऊपर आप जाके चार्ज लगा सकें इसको और फिर वापस ला के इसको हैंडल कर सकें। और एक डिफरेंस ये है 30% उससे ये हल्का हो चुका है इस बैटरी की वजह से, क्योंकि एक बैटरी का वजन था 14 किलो, जो कि टोटल 6 बैटरी तो 84 किलो लगभग हो जाता था, तो अब वो नहीं है, जो कि आप बैटरी खुद से हाथ से लिफ्ट करके लगभग 20 किलो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट कि इस आई प्रेस का प्राइस कितना है। तो ओकिनावा आई प्रेस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। इसका प्राइस है 1,25,000 इसका प्राइस है, मतलब 1,25,000 हम बता रहे हैं इंश्योरेंस सब करवा के, रजिस्ट्रेशन सब जो कंप्लीट प्रोसेस ऑन रोड प्राइस है इसका 1,25,000, जो कि ओकिनावा प्रेस का ऑन रोड प्राइस अभी के हिसाब से 82-84,000 है। बाकी हम जब लिए थे जब उसको तो वो 76,000 को पड़ा था। और इसमें बहुत ही बकवास बात ये है कि इसका जो बूट स्पेस है बिल्कुल ख़त्म हो गया इसके बैटरी की वजह से, जो कि ये फीचर ऑफर करता है, जो कि आप बैटरी को डिचार्ज करके ऊपर ले जा सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके वजह से जो बूट स्पेस है ख़त्म, यहाँ पर आप कुछ नहीं रख सकते हैं इसका बूट में, मतलब बैटरी के अलावा।
और एक चीज़ और बता देते हैं जिसमें यह है कि इसका बैटरी का वारंटी है 5 ईयर और इसका पहले जो प्रेस था उसका सिर्फ 1 ईयर वारंटी था। तो ये आप देख के इसको आप परचेज करने के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।